هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقران وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقران هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقران وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقران الحمد لله رب العالمين. वसलात वसलामला अशरफ़िल्बियाई बलमसलिन नबीना मुहमदिन वाला आलि व साहबहीजमाइीन अम्माबाद फाऊज़बिल्लिमिन शैतम बसमिल्लर रहीम अलहमदिल्ल रबिलमीन औरहीम मालिक्दीन सिरा सिरात अन अमताम वी आमीन अन उबैब निकाबिन रजील तुकाल कॉले रसूल मा असलम्ला फित तौराती वला फिल इंजीली मिसला उम्मिल क़ुरान वही असब उलमसानी विया मकसूमतन बैनी वबीना अब्दी वली अब्दी मासा आला रबी शाहली सदरी व यरली अमरी वाहलु़तमिलसानी यफ़ह कौली रबी ऐसी सिर वला तो वसर वतम खैर आमीन या अरबल आलमीन इराबुल कुरान में छः आयात पर मुश्तमिल हमारी सूरतें अलहमदिल्ला मुकम्मल हो चुकी हैं जी आज से हम सात आयात पर मुश्तमिल सूरतें ग्रामेटिकल एनालिसिस के लिए शुरू कर रहे हैं और इस सिलसिले की पहली सूरत हमारी अलफ़ा सूरतलफ़ाहा है जो कि आप जानते हैं कि हमारे मसफ़ की भी पहली सूरत है और ये बल्कि ओपनिंग सराह ऑफ द कुरान है सूतलफ़ात की भी सात आयात हैं इसमें कोई अख्तिलाफ़ नहीं है अख्तिलाफ अगर है तो सिर्फ इस बात का है कि बिसमिल्लम रहीम सूतलफ़ा की आयत है या नहीं जो लोग बिसमलानरहिम को सूतलफ़ा की एक आयत शुमार करते हैं उनके नज़दीक भी फातिहा की आयात जो हैं वो सात हैं और जो लोग बिसमिल्लर रहीम को फातिहा की आयत शुमार नहीं करते उनके नज़दीक भी फातिहा की सात आयात ही हैं अब ये बिस्मिल्लाह को जो शामिल नहीं करते एज़ ए आयत उनके नज़दीक छठी आयत कहाँ पर ख़त्म होती है वाला तैक्स के दौरान मैं आपके सामने रख दूँगा बहरहाल आपके सामने ये मैंने एक जो राय है इसके बारे में अख्तिलाफ है यानी मुख्तलिफ राय होना अख्तिलाफ़ के माना हमेशा जहन में रखिएगा कि इख्तलाफ के माना होते हैं जी राय का मुख्तलिफ होना क्योंकि हमारे यहाँ उर्दू में अख्तिलाफ का लफ्ज़ किसी अच्छे माना में इस्तेमाल नहीं किया जाता इसलिए फौरन इख्तलाफ का लफ् सुनते ही हमारे जहन ज़रा नेगेटिव साइड की तरफ चले जाते हैं इख्लाफ के माना मुख्तलफ होना तो इस हवाले से मैंने आपके सामने ये बात रख दी है इसको जरा थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ कि जो कुर्र्र्र्र्र्र्र्र्र्रा हैं मक्का मक्फ़ा के उन्होंने आयत रहीम को सूतुल फातिहा समेत हर सूरत की आयत करार दिया जबकि क़्रा मदीना बसरा और शाम ने इसे किसी भी सूरत की आयत तस्लिम नहीं किया सिवाय सूरह नमल की आयत नंबर तीस के कि इसमें बिल्तफ़ाक़ बिस्मिल्लाह इसका जु़्व है तो इस हवाले से अगर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का एनालिसिस भी हम सामने रख लें तो इन ताला ज़रा हमारे लिए आसानी हो जाएगी इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है बहुत मरतबा हमने अपने बेसिक कोर्स में या दूसरे एडवांस कोर्स में बिसमिल्लर को ग्रामेटिकली एनाल किया लेकिन एक मरतबा फिर मैं आपके सामने बोर्ड पर बिसमि रिम का एनालिसिस भी रख देता हूँ ताकि आपको ज़रा याद रह जाए तो चलते हैं जी बोर्ड की तरफ और अल्फ़ा सूरत अल्फ़ा इसका ग्रामेटिकल एनालिसिस करते हैं बसम आयत को आ, आयत के साथ ताकि एक मरतबा इस आयत का भी हमारा एनालिस हो जाए जी जी बिसमी आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है और इस आयत में जो अल्फाज हैं उन पर ज़रा गौर कर लें कुल अल्फाज के एतबार से अब हम तेज़ी से चलेंगे जी बाप का हरफ जर है तो एक हरफ हो गया जी इसम हरफ जर हमेशा याद रखिएगा कि इसम से पहले ही आता है तो इसम खुद भी इसम है और अल्लाह इसम अर्रहमान इम अर्रहीम रहीम तो एक दो तीन चार आसमा और एक हर्फ पर मुश्तमिल की यह बसमीम आयत जो आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है और इसका एनालिसिस अगर मैं आपके सामने रखूं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ख़ुद भी इसको कर सकते हैं कि बा आपका हर्फ जार है जारे जी हर्फ जारा और इसम जो है ये आपका हो गया जी मजरूर ठीक हो गया अच्छा जब भी हर फेजर आएगा उसके बाद मजरूर ज़रूर आएगा अब मैं थोड़ा सा आपके सामने इस तरीके से भी रखूँगा कि ऊपर मैं लेकर चलूँ यानी मुख्तलफ अंदाज से तरकीब आपको समझ में आनी चाहिए बाहर फेजर है तो उसके बाद मजरूर है ठीक है हो गया अब ये मजरूर जो इसम का लफ्ज़ मजरूर है ये अपनी जगह पर क्या बन रहा है जी ये मुजाफ बन रहा है ठीक है और जब भी मुसाफा आएगा किसी तरकीब में तो उसका मुजाफिला जरूर होगा तो आगे मुजाफिल है इसम अल्लाह जो है ये मुजाफिल है जी इसम के लिए ठीक हो गया लेकिन इसम अल्लाह जो है ये इट्स सेल्फ अर्रहमान के लिए मौसू बन रहे तो जब भी मौसू आएगा तो उसकी सिफत जरूर होगी तो आगे आप देख रहे हैं कि ये इस अर्रहानसूफ के लिए सिफत नंबर एक है और अर्रहीम इसी मसूफ के लिए सिफत नंबर दो है तो ये भी एक तरीका यानी मैंने आपको पहले भी हलबिन किसी लेक्चर में बताया था कि दो तरह की तरकीब जो है वो की जाती हैं। जी एक तरकीब हमारे बड़े सगीर पाकिस्तान इंडिया वगैरह में जिस तरीके से की जाती है मशहूर है वो तरीका दूसरा कि बााहफजर हो गया इसम मुजाफ़ हो गया इसम अल्लाह जो है ये मौसू हो गया अर्रहमान सिफत नंबर एक अरहमर रहीम सिफत नंबर दो मौसू अपनी दोनों सिफतों के साथ मिलकर इस मुजाफ़ के लिए मजाफिला बना और इस माफ़ अपनी मुजाफिला के साथ मजरूर और जार और मजरूर मिल ये अब मुतल होंगे ठीक है ये तरीका हमारे यहाँ राय जाए इसे जंजीरी तरकीब कहते हैं ठीक है यानी चेन की सूरत में आपके सामने चलती है और अरब जो तरकीब करता है वो इस तरीके से होता है कि बाहर फर इस मजरू ठीक है और फिर इस मुजाफिल मुजाफिल और अर रहीम अर्रहमान और रहीम जो है वो दो सिफ़ात हो गई तो ये दोनों तरीक़े आपके सामने होने चाहिए ये ज़रा जो अरब वाला ये आसान है इसमें आप आगे चलते रहते हैं आ, ये जो कंबाइन करना होता है एंड पर जो हम जोड़ देते हैं बिल्कुल इससे आपकी बचत हो जाती है जबकि दूसरे तरीके में आप जानते हैं कि आपने सारा का सारा जो है वो मुकम्मल करना होता है अच्छा एंड रिज़ल्ट ये निकला हमारा कि ये जार मजरूर पर आयत ख़त्म हुई है और ये आप जानते हैं कि जार मजरूर जो है ये मुतालिक होता है जी किसी ना किसी चीज़ के ठीक है, तो ये कोई जुमला नहीं है सही है ये एक मुरकब नाकिस है आप जानते हैं जार में जरूर मुरकब जारी हमने पढ़ा था बेसिक कोर्स में एक मुरकब नाकिस होता है तो एक पूरा जुमला नहीं है तो ये मुतालिक है अब ये किसके मुतालिक है? तो इसका जो है वो महजूफ माना जाता है महजूफ जब मानेंगे इसका मुतल तो वो क्या है ठीक है वो इसम भी माना गया ठीक यानी मुफ्ता को माना गया इसका मुत्ल ठीक और एक राय के मुताबिक फेल को इसका मुत्ल जो है वो माना गया ठीक अच्छा अब अगर इसम इसका मुफ्त मुतल माना गया तो वो कहा गया है कि जी इब्तदाई सही बिसमिल्लर ठीक इब्तदाई इब्तदाई बिसमिल्लर मेरी इब्तदा इब्ताई मरकब इजाफ़ी मेरी इब्ता बसमिल्लर ठीक यानी मैं मेरी इब्तदा अल्लाह के नाम के साथ होती है जो अर्रहमान अर्रहरिम है कुछ इस तरह का तर्जुमा बनेगा और जिन्होंने फ़ेल को महसूफ माना ठीक है वो इसके आखिर में यानी एंड पे एक फ़ेल महसूफ मानते हैं जो कि इब्तदा आब्तदयू से ठीक है वही इब्तदा आब्तदी उसे वाहिद मुतकलिम का सीखा है अब या अकराऊ या अशराऊ इस तरह का फेल जो है मजसूफ़ माना जाता है इसलिए आप देखेंगे कि जब भी आपको इसका तर्जुमा मिलता है तो लिखा होता है जी शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से तो शुरू करता हूँ का तर्जुमा आ, जो आप देखते हैं उसमें इस आयत में शुरू करता हूँ लफ्ज़ मौजूद नहीं है तो वो हिडन होता है और बात आप देखते हैं कि उसे ब्रैकेट्स में लिखा जाता है ठीक है तो ये चीज़ अलहदुल्ल आपके सामने है तो मजूफ़ के हवाले से अगर फ़ेल मानना है तो मैंने जैसे आपको कहा है कि अक्राऊ फेल इसके आगाज़ में मान लें अब दाऊ बदा अब फ़ेल इसके शुरू में मजूफ़ मान लें या अतलू तला एतलू तलावत करना ठीक है ये मजूफ़ है अच्छा कुछ ने कहा है कि नहीं फेल जो है वो आ, यानी जो है आपका फ़ेल वो मौखर है ठीक है किसी ने इसी तरह कहा कि मुबददा मौखर है ताकि उससे हसर भी पैदा हो तो ये कुछ चीज़ें थी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में बाकी इसमें डिटेल जो आसमा के हवाले से है वो मेरा ख़्याल है कि इतनी ज़रूरी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं तमाम को तो ये बिसम का एनालिस हो गया अब हम बायदा सूतल फातहा जो है उसके एनालिसिस की तरफ चलते हैं जी आलमीन अल्फाज काउंट कर लें जी अल्हम्दु एक है इसम दो अल्फ़ाज लाम हरफ जर और इसम अल्लाह रब इसम आलमीन इसम तो एक दो तीन चार असम और एक हरफ मुश्तमिल ये आपकी आयत है मैं पहले भी वाजे कर चुका हूँ कि अल यानी अगर इनको भी हम लें तो ये भी दो हरूफ़ बनते हैं जी ठीक है ना एक आपका ये हरफ हमजा हमजात है और लाम जो है लाम तारीफ तो इसको भी अगर अलग से काउंट करें तो फिर तादाद कुछ ज़्यादा बन जाएगी लेकिन इसम के साथ ही जब हम इसको काउंट कर लेते हैं तो अलग से फिर ज़रूरत नहीं बनती ये बात अलहमदिल्ला आपको क्लियर होनी चाहिए अच्छा जी अल्फाज हो गए हैं एनालिसिस आपके सामने रख दूँ अहमदू जो है ये मुबतदा है आपका जी जुमला इसमिया हमारा एक बन रहा है और जब भी मुत्ता होगा उसकी खबर होगी लाम हरफ और इसम अल्लाह जो है ये मजरूर हो गया जी अच्छा आगे रब आलमीन आ रहा है तो अल्लाह के लिए मैं रब्बिल आलमीन को सिफत बना लेता हूं तो इसम जो है ये मौसूफ हो गया जी और रब जो है उसकी सिफत बन गई और रब खुद जो है वो मुजाफ के तौर पर आ रहा है और इसका मुजाफिल है जो है ये अल आलमीन है तो गोया रबिल आलमीन मुजाफ़ और मुजाफ़िल मिलकर ये इसम अल्लाह के लिए सिफत बन रहे इसम अल्लाह मौसू हुआ और मौसू अल्लाह अपनी सिफत आलमीन इसके साथ मिलकर मजरूर है हरफ जर लाम जारा के लिए और जार और मजरूर मिलकर ये अलमद मब्ता के लिए क्या बन रहे हैं जी अब यहाँ पर हम कह देंगे कि ये खबर Osionfish. बन रहे हैं लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जार मजरूर ये ख़बर बन जाते हैं कब बनते हैं जब ख़बर मौजूद नहीं होती तो गोया अल्हमदू की ख़बर जो है वो मजसूफ है तो जार मजरूर मुतालिक होते हैं ना अभी हमने बात की है किसी ना किसी के मुतालिक होंगे तो किसके मुतालिक हैं ये खबर के मुतल हैं जो कि खबर मजूफ़ है और वह खबर क्या महजूफ़ है जी किसी ने कहा जी सबमाजूफ़ है अल्हमदू साबित रबीआलमीन तो ये उसके मुतालिक है, लेकिन चूंकि खबर की गैर मौजूदगी में हम जार मजरूर को खबर बना देते हैं तो ये मुक्त और खबर मिलकर ये बन गया जी जुमला इसमिया जुमला इसमिया ठीक हो गया और इब्तदाइया जुमला है शुरू होमला है तो हम इसे जुमला इसमिया इब्तदाइया जुमला इब्तदाया कह सकते हैं तो अलहमदुल्लाबीन अल्हम्द, आ, अलिफ अलिफना जो है अब यहाँ पर किस माना में आया आप जानते हैं कि दो मोटी बातें अलिफ नाम के हवाले से हमें हमेशा याद रहनी चाहिए नंबर एक आ, किसी ख़ास के लिए और यानी जो अंग्रेज़ी का आर्टिकल दी है पहली बात तो ये कि अल जो है ये इक्वलेंट है अंग्रेज़ी के आर्टिकल दी के और दी के दो मोटे माना आपके सामने होने चाहिए एक कोई स्पेसिफिक दी से मुराद होगा या फिर क्लास के लिए दी को इस्तेमाल किया जाएगा ठीक है तो यहाँ पर कोई ख़ास मुराद नहीं है बल्कि तमाम का मफहम दिया जा रहा है सही है जिस तरह मैं इसकी एग्जाम्पल दिया करता हूँ जब आप हम कहते हैं द काओ गिव्स मिल्क तो इसके माना क्या होते हैं जी कोई ख़ास गाय दूध नहीं देती बल्कि गाय एज ए जेंस ये दूध देती है ठीक है यानी तमाम गायें दूध देती हैं तो अलहमद के माना तमाम के साथ हम करेंगे तो ये अलिफ़लाम जो है इसतराक के लिए अब वो अलिफ़नाम की जो किस्में अगर आप देखना चाहते हैं अलिफ़लाम हरफी और अलिफलाम इसमी तो ये अलिफ़नाम इसमी कौन सा होता है याद है ना आपको ये अलिफ़नाम वो होता है ज़म्मलफ़ाल उम्मल अफूल पर आता है उसे अलिफ़लाम इसमी कहते हैं ठीक उसके अलावा जो दूसरों पर आता है वो अलिफ़लाम हरफी कहलाता है तो ये अलफ़िल हरफ़ी है क्योंकि हमद जो लफ्ज़ है ये ना तो इसमायल है ना इस्मूल है तो ये अली हरफी हुआ और फिर अलीफ़लाम हरफ़ी की आगे वो हैं जो तफसर से मैंने बयान की थी तो इसतरा के लिए जिसका तर्जुम हम तमाम के साथ कर रहे हैं अच्छा हमद के माना के हवाले से मैंने एक जगह एक बात पढ़ी थी तो वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ कि वो किसी ने लिखा था कि जी हमद के माना तारीफ आ, हमें नहीं करनी चाहिए इसलिए कि तारीफ जो है वो अच्छी भी होती है और बुरी भी हो सकती है तो हमद के माना खूबी अगर हम करें तो ज़्यादा मुनासिब तर्जुमा तो वो एक बात अच्छी लगी थी तो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ वरना नॉर्मली हम तर्जुमा इसका ये देखते हैं कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं किसी ने कहा जी अल जो है या हम जो है ये ख़ाली तारीफ़ नहीं होती बल्कि तारीफ़ प्लस चक्र ये हम कहलाती है तो लेकिन बहरहाल वो बात ज़्यादा दिल में जो है वो बैठी कि खूबी के साथ तर्जु किया जाए तो ज़्यादा खूबसूरत तर्जुमा बनेगा कि तमाम खूबियाँ ठीक तमाम खूबियाँ ला अल्लाह के लिए हैं अब इस रबिल आलमीन को यानी रब़ को सिंपल इस रब को हमने इस अल्लाह के लिए सिफत बनाया ना और अब हमारी दूसरे बड़े सही तहकी के मुताबिक आ, रबिल आलमीन मज़ा मजाफिल को हमने सिफत बना दिया ठीक है तो सिफत का तर्जुमा हमारे यहाँ उर्दू मुहावरे में दो तरह से किया जाता है जी या तो हम सिफत को मौसू से पहले बोल कर तर्जुमा करते हैं मसला मैंने कहा जी ये मेहनती लड़का है ठीक है अब मेहनती एक सिफत है एजेक्टिव है और मैंने लड़का मौसू से पहले इसको बोला कहा कि जी ये मेहनती लड़का है सही अब इसमें सिफत पहले आ रही है मसूफ से उर्दू मुहावरे में या फिर सिफत का तर्जु हम बात जो के साथ भी करते हैं हम कहते हैं ये लड़का है जो मेहनती है ठीक है ये वो लड़का है जो मेहनती है सही है तो जो के साथ भी एक तर्जुमा किया जाता है तो दोनों तरह से मैं तर्जु आपके सामने रखता हूँ जी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन है एक तरीका तो ये हो गया जी दूसरा सिफत को पहले ला कर तर्जुमा करें तो कुछ यूँ बनेगा तमाम तारीफें रब आलमीन अल्लाह के लिए हैं। तो इसका भी आपने ख्याल रखना है ख्याल से मुराद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मुख्त तरजिम जब आप देखेंगे तो किसी में तर्जुमा इस तरह से होगा किसी में तर्जुम इस तरह से होगा तो ये फ़र्क आपके सामने रहना चाहिए तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आयत हमारी मुकम्मल हो गई जी अगली आयत की तरफ चलते हैं जी उसमें देखते हैं कि क्या है बाकी लफ्स के हवाले से अलहमद पे मैंने थोड़ी सी बात कर दी है रब रब आप जानते हैं कि ये सिर्फ़ अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है आ, आ, कब इस्तेमाल होता है यानी इजाफत के बग़ैर ये किसी दूसरे के लिए आप लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते ठीक है इजाफत के बगैर यानी अगर आप दूसरे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे आप कहें कि ये मुरकबे इजाफी सूद में लाएँगे मसल अरबी जुबान में कहा जाता है जी रबुदारी रबुदारी घर का मालिक रबुदारी घर का मालिक इन्हीं माना में फिर रब की मोनस भी आती है रब्बतुन ठीक है यानी रब्बतुद्दारी घर की मालिका और नबीज़म की वो हदीस है आपको शायद याद हो जिसमें आप अलैहि वसल्लम ने जो हदीस जबलील कहलाती है जिसमें नबी करम सल व्म ने क्यामत की निशानियाँ बताई हैं उसमें आपने एक निशानी बताई ना कि लॉन्डी अपनी मालिका को जनेगी तो अल्फाज उसमें कुछ यू हैं अन तले दल अमाब्बाता ठीक है, है? लोंडी ठीक अब्द उसकी मोनस अमातुन अब्दुल अमातुन ठीक तो लोंडी अल अमातु अन तली दल अमातु हा अपनी मालिका यानी डोंडी अपनी मालिका को जनेगी तो उन माना में ये मालिका के माना में इस्तेमाल हुआ है तो वहाँ भी आप देख रहे हैं कि मरकब इजाफ़ी के तौर पे आया तो रब का लफ्ज़ जो है ये बग़ैर इज़ाफ़त के अल्लाह के लिए ही इस्तेमाल होगा अल-आलमीन ये आप जानते हैं कि जमा का लफ्ज़ है और यहाँ पर मुसाफिला के तौर पर आया तो हालत जर में है तो इसकी रफ़ा क्या होगी जी अल आलमून आलमून इसकी रफा होगी और आलम की ये जमा है अब आलम से मुराद क्या है जी आलम कहते हैं जी वैसे तो तमाम खलाए के मजमू को आलम कहा जाता है ठीक लिहाजा अव्वल तो इसकी जमा नहीं आनी चाहिए ठीक लेकिन यहाँ इसकी जमा क्यों लाई गई है कि अल्लाह ताला की जो रबूबियत कामिल है उसके इजहार के लिए आलम की जमा भी लाई गई है कि एक आलम इंसान है एक आलम जिन है तो इस तौर पर जो है वो इसको लाया गया यानी जिससे मुराद मखलूक़ात की अलग अलग जिनसे हैं ठीक है जैसे मैंने आपको कहा है कि आलम इंसान आलम जिन आलम हैवानात ठीक है आलम नबाता इस तरह तरीके से इसको किया गया तो यहाँ पर हमारी आयत मुकम्मल है जी अगली आयत की तरफ़ चलते हैं देखते हैं कि उसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं में भी आ चुका है औरीम ये दोनों असमा हैं अब ये दोनों आप देख रहे हैं कि जर जरमें ठीक है लिहाजा इन दोनों को हम सिफ़ात बना देंगे अल्लाह की ठीक है इन्हें भी अल्लाह की सिफात बना देंगे तो साथ साथ हम असल जुमला महाराजी अलहमद ला ही है वहाँ तक ये भी से रखें उसके साथ देखें रबालमीन एक सिफत आगे अर रमान सिफ़त एक आगे अर रहीम एक सिफत आगे ठीक है तो ये भी दो सिफात हैं अब इन दोनों सिफात का तर्जुमा अगर उस पैटर्न पर रखें तर्जुमे के हिसाब से जो के साथ करना है या पहले सिफात लानी है तो देखें तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो रबालमीन है अर रहमान है अर रहीम है ठीक है तमाम तारीफ़ें अर्रहमान और रहीम तमाम जहानों के रब अल्लाह के लिए हैं दोनों तरीके से तर्जु आपके सामने आना चाहिए अर रमान अर रहीम मुख्तरा याद कर लें कि रहम रहमत से ये निकला है लफ्ज़ और अल्लाह ताला के दो नाम जो हैं इसी रहमत से मुश्तक हैं अर्रहमान और अर रहीम रहमान जो है ब वजन फ़ालान ठीक है और रहीम आप देख रहे हैं कि फ़ैल के, के वज़न पर है और दोनों मुबालगे के सीखे हैं जिनमें कसरत और दवाम का मफहूम पाया जाता है अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है और उसकी ये सिफत दीगर सिफ़ात की तरह दायमी है ठीक है कुछ कहते हैं कि रहमान लफ्ज़ में रहीम लफ्ज़ की नस्बत ज़्यादा मुबालक है इसलिए रहमान दुनिया वाल आखरा कहा जाता है ठीक है यानी दुनिया में उसकी रहमत आम है जिससे बिला तखसीस काफिर मोमिन सब फैज़ याब हो रहे हैं और आखरत में वो सिर्फ़ रहीम होगा ठीक है यानी उसकी रहमत सिर्फ़ ममिन के लिए होगी और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ए, उन ममन में शामिल फ़रमाए हम सब अल्लाह ताला की रहमत के ही मोहताज हैं इसलिए अक्सर आप देखते हैं दुआओं में दुआा क्नूत में भी खासतौर पर हम कहते हैं वनरज रहमत तक और हम तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं तो अब उसकी रहमत ही है जिसकी बिना पर हम आख़रत में कामयाब होंगे जन्नत में दाखिल होंगे जब इसकी वो हदीस भी सामने हमेशा रखा करें कि आपसे उसने फरमाया था तो उनमें से कोई शख्स महज अपने अमाल की बिना पर जन्नत में दाखिल नहीं होगा ये अल्लाह का फजल होगा उसकी रहमत होगी कि हम जन्नत में जाएंगे यानी लोग जन्नत में जाएंगे तो किसी साहबी ने बड़ी जुरत का इज़हार किया था और पूछा था कि अल्लाह के आप भी तो आपने फ़रमाया था कि हाँ मैं भी जन्नत में उसी वक्त दाखिल हूँ जब अल्लाह की रहमत उसका फ़जल शामिल हाल होगा तो अल्लाह की रहमत ही है उसी को हमें हर वक्त जो है वो याद रखना चाहिए इस रहमत का अपोज़िट फिर जो है वो लानत लफ्ज़ है और अल्लाह की लानत का मतलब क्या होगा कि अल्लाह का बंदे को अपनी रहमत से दूर कर देना ठीक है तो ये लानत का मफहम है और फिर इस हवाले से आपके सामने और भी बातें आएंगी कि अल्लाह ने भी लानत की है ठीक नबी नबीरम सल्लम ने भी लानत की है यानी अल्लाह का लानत करना फिर ये होगा कि अल्लाह का ख़ुद किसी को अपनी रहमत से दूर कर देना और अल्लाह के केम उस का लानत करना क्या होगा या फरिश्तों का लानत करना क्या होगा या लानत करने वालों का लानत करना क्या होगा उससे मुराद होगा कि अल्लाह से दुआ करना दुआएं बद करना यानी बद दुआ देना कि अल्लाह इस शख़्स को अपनी रहमत से दूर कर दे तो अब आपको शायद वो समझ आया कि नबी ने जो फरमाया है कि लान लानल्लाहूद व नसारा के अल्लाह लानत करे यहूद नसारा पर इतखजू को बुरा अम्बियाम मसाजिदा के उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया ठीक है इस तरह लान लाना रसोल सकिल वमो किला व काबहू व व शाहिदही वाल सवा तो ये चीज़ें आपके सामने रहनी चाहिए तो अल्लाह ने झूठों पर लानत किया है कुरान मजीद में हैं लानतल्ला ही अलकाजीबिन तो ये बातें हमारे सामने बहाल रहनी चाहिए तो ये दोनों जो हैं मैंने बताया कि सिफात हो गई जी यहाँ पर एक आयत मुकम्मल होती है अगली आयत क्या है उसे देखते हैं जी जी अगली आयत जो है वो आपकी एक दो तीन अल्फाज पर मुश्तमिल है एक लफ्ज़ है जी मालिक इसम यौम इसम अ दीन इसम ये एक पेचीदा इजाफी आपके सामने आ रहा है जी इसमें मालिक का एनालिसिस अगर मैं अब मेरा ख्याल है शायद ज़रूरी नहीं है आप इसे तेज़ी से दे देख लें कि मालिक आपका मुजाफ हो गया और यौम का लफ्ज़ जो है ये मुजाफिल है और फिर मुजाफ़ है और अ जो है ये इस यौम के लिए मुजाफिल है ठीक है तो यौम में दीन मजाफ मुजाफिल है मिलकर ये मालिक के लिए मुजाफिले बन रहे हैं और मालिक मुजाफ अपने मुजाफिल से मिलकर अब मालिक की जो जर है ये बता रही है कि इसे भी हम अल्लाह की सिफत जो है वो करार दे दें तो ये एक और सिफत अल्लाह ताली की आ गई कि जी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो रबालमीन है अर्रहण है अर्रहीम है बदले के दिन का मालिक है ठीक हो गया जी अच्छा इसमें एक राय और आपके सामने रखता चुनूँ कि मैंने सिफत कहा है किसी ने इसे बदल भी करार दिया है ठीक है यानी ये अल्लाह से बदल है रब, रब और अर्रहमान रहीम मालिक उम्मीदन तो बदल की भी बात की है किसी ने तो तवाबे का टॉपिक वो आपके सामने जहन में जो रहना चाहिए इसमें मालिक आप देख रहे हैं कि खड़ी जबर के साथ लिखा हुआ है तो बाद की रात में से मलिक भी पढ़ा गया तो ये वो एक फ़र्क है यानी आप अगर इसको अलिफ के साथ मालिक को लिख देते तो यहाँ पर वो जो दूसरी रात की पॉसिबिलिटी थी वो मुमकिन ही नहीं थी आप हमेशा इसे मालिक ही पढ़ते अगर इसको अलिफ के साथ लिख दिया जाता लिहाजा इसकी इसके रस्म का लिहाज ये रखा गया कि यहाँ पर दोनों की रातें जो इसमें फिट हो जाएँ यानी मालिक ही दिन और मलिक ही योम दिन दोनों यहाँ पर मुराद हो सकती हैं अधीन अदीन के मुख्तलिफ़ माना है जी यहाँ पर बदले के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और इसके बाद इन शाला तलाफा के बाद हम जो सूरत करेंगे वो अलमा होगी हमारी आ, मुझे किसी ने यह भी कहा था कि जी आप अगली सूरत का बता दिया करें जिसमें ताकि हम उससे ज़रा अपने तौर पर स्टडी कर लिया करें उसके हवाले से मालूम कुछ इकट्ठी कर लिया करें तो इसलिए मैं इसका भी ख्याल रखूँगा जी तो जो सात आयात वाली हमारी सूरतें चल रही हैं उसमें अल्फात आज हम कर रहे हैं और इसके बाद अमाशाल तौर मैं करवाऊँगा तो अमाउुन में भी ये अद्दीन का लफ्ज़ बदले के लिए ही इस्तेमाल किया गया आ, उसमें अल्फाज क्या के हैं आरई तुकज बिद बिद्दीन ठीक है ना बिद्दीन तो बदले के दिन जजा व सजा जजा व सजा को जुटलाना ठीक है तो वहाँ पर ये अल्फाज हैं तो अद्दीन के एक माना जो है ये आ, बदले के हैं तो यहाँ पर मुराद है बदले के दिन का मालिक तो ये आयत यहां पर मुकम्मल होगी अगली आयत क्या है जी देखते हैं बोर्ड पर जी अगली आयत जो है ये ईया का नाबुदु व ईया का अल्फाज जो हैं वो हैं आपके ईया का इसको मैं एक ही लफ्ज़ काउंट कर रहा हूँ ठीक है अभी बताता हूँ आपको ये आपकी जमीर आ, जो का की जमीर है बल्कि पहले मैं इस बात को समझाता हूँ, फिर काउंटिंग में इनशाला आपके सामने रखता हूँ देखिये जी हमने जुमला फेलिया पढ़ा नाबुदू अब आब आबुदू से नाबुदू एक जुमला फेलिया जी नाबुदू हम इबादत करते हैं हम इबादत करेंगे ठीक अच्छा अब किसकी इबादत करते हैं करेंगे अल्लाह मफूला गया तो जुमला बन गया जी नाबुदुल्ला हम अल्लाह की इबादत करते हैं या हम अल्लाह की इबादत करेंगे यानी आप बता रहे हैं कि आपका तर्जमल क्या है और आप ये भी बता रहे हैं कि आइंदा आपका तर्जमल क्या होगा अच्छा ये आपका जुमला फेलिया फेल फाइल और मफूल आप जानते हैं अच्छा जुमला फेलिया को जब हम जुमला इसमिया में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं जी फाइल कौन उठाते हैं और शुरू में ले जाते हैं ठीक है अब अगर मैं इस जुमले में से मफूल जो कि अल्लाह है इसको उठाऊं और शुरू में ले आऊं तो ये जुमला क्या बन जाएगा जी ये बन जाएगा अल्लाह नाबुदू अब ये जुमला इसमिया बना नो ये जुमला इसमिया नहीं बना अच्छी तरह नोट कर लें ये जुमला फेलिया ही रहा अच्छा इसमिया क्यों नहीं बना इसमिया इसलिए नहीं बना कि जुमला इसमिया के जो दो अज्जा होते हैं मुबतदा और खबर आप देखें मुबत आपका होता है हालत रफा में अगर आप इस जुमला इसमिया कह रहे हैं तो ये मुबदा होना चाहिए और मुबदा होता है रफा में जबकि ये है नसम में तो लिहाजा वह जुमला इसमिया का फार्मूला पूरा अप्लाई नहीं होता इस पर लिहाजा ये गलत है ये जुमला फेलिया ही रहा हाँ फाइल अगर बाहर निकलता है ठीक है और फ़ाइल आप जानते हैं जो कि मरफूह होता है हालत रफा में होता है लिहाजा वो जब शुरू में आता है तो मुबदा बन जाता है सही है ना तो ये एक बात नोट कर लें तो ये जुमला फेलिया ही रहेगा अब इसकी तरकीब हम क्या करेंगे हम कहेंगे अल्लाह ये मफूल है और मफूल मुकदम है और नाबुदु फेल फाइल है फेल अपने फाइल और मफूल मुकदम से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बना अच्छा अब फिर तर्जुमा हम इसका क्या करेंगे तर्जुमा हम ये करेंगे उसी फार्मूले के तहत के तदीम माह हको तर उस चीज को आगे कर देना जिसका हक पीछे आना था अल्लाह मफूल है ना यानी कोई भी मफूल हो पीछे आते हैं ना आमतौर पर यानी फेल आता है फिर फाइल होता है फिर मफूल होता है ना तो मफूल बाद में आता है आपने क्या किया मफूल को उठाकर पहले कर दिया तो इससे वह युफीदुल्हसर वल कसर व तखसीस ये तीनों एक ही माना में इस्तेमाल होते हैं जी हसर कसर और तखशीस एक ही माना है इससे हसर पैदा होता है कसर पैदा होता है तखशीस पैदा होती है तो अब इसका तर्जु हम करेंगे कि अल्लाह ही की हम इबादत करते हैं हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं या हम अल्लाह ही की इबादत करेंगे तो इसका तर्जुमा बनेगा ठीक हो क्या अच्छा अब यहाँ मैं आपके सामने आ, मफूल जो है वो यानी हम मुखातब हैं अल्लाह से तो फिर हम जुमला क्या कहेंगे अल्लाहुम्मा या ए नाबुदु का हम तेरी इबादत करते हैं अच्छा अब हमने इसको जुमला ये जो फेलिया है हमारा जुमला है इसमें हमने मफूल को मुकदम करना है तो मफूल हमारी काफ़ की जमीर है अब जब काफ की ज़मीर हमने शुरू में लानी है तो ये तो आपको पता है अटैच जमीर है ठीक है तो इसे चाहिए स्पोर्ट तो यहाँ पर इसे ईया की जो है वो स्पोर्ट दी जाएगी और ये बन जाएगा जी ईया का नाबुदू तो ये असल में है ये हमारा आसान तरीका आपको समझाने का जबकि ग्रामर वालों ने जो जमायर की हमने क्या किया अच्छा जी जमायर के दो चार्ट्स पढ़े ना हालत रफा वाला चार्ट और एक हालत नसब और जर वाला चार्ट उसके तहत आपको बात समझ में आ गई कि ये नसब वाली ज़मीर है और उसकी सपोर्ट के लिए ये लफ रख गया ठीक है लेकिन ग्रामर वालों ने जमायर की पाँच चार्ट्स आपको बताए हैं तो उस हवाले से देखें वो कहते हैं जी ज़मीर मरफू भी है और ज़मीर मनसूब भी है और ज़मीर मजरूर भी है तीन किस्म की ज़मीरें उन्होंने की हैं जी रफ़ा वाली नसब वाली और जर वाली ठीक फिर एक तकसीम उन्होंने की है ज़मायर की मुतसिल और मुनफसिल के तौर पर तो फिर उन्होंने बताया कि जो जो ज़मीर मरफू है ये मुतसिल भी हो सकती है और मुनफसल भी हो सकती है ज़मीर मरफू मुतसिल भी हो सकती है और मुनफसल भी हो सकती है जो मुतसिल होती है वो ये है जो आपकी फ़ेल के साथ होती है ठीक है ना फेल के साथ हम जो करते हैं ना फेल बा फाइल जिसमें हम कहते हैं जी सीधा नंबर एक सीधा नंबर चौदह तक तो जो चलते हैं आप में हमारा फाइल या ज़मीर की सूरत में होता है या जाहिर होता है तो जो ज़मीर की सूरत में होता है ना वो हमने कहा जी ज़रा बा उससे जो दूसरा सी का बना ज़रा बा हम अलिफ को कहते हैं जी वो हुमा इसका फ़ाइल है जो कि अलिफ की सूरत में हमें नज़र आ रहा है तो वो अलिफ को ज़मीर कह देते हैं ठीक हो गए वो इस पैटर्न पे फिर ज़रा बू में वो वाओ को ज़मीर कह देते हैं तो इस पैटर्न पे वो चलते हैं और इस तरह जमायर की जो है वो आप कह लें कि जो शक्लें उनके सामने आती हैं उन जमायर को कहते हैं ये मरफू मुतसिल है ठीक है ये फेल के साथ होती है जमीर मरफू मुनफसिल जो है वो चार्ट वही है जी हुआ हुमा हुम हिया हुमा हन्ना अंता अन तुमांतुमती अंतुमांतुन्ना अना और नु ठीक हो गया ये दो चार्ट हो गए उसके बाद फिर वो कहते हैं जो जमायर हैं आपके मनसूब वो भी मुतसिल भी हो सकते हैं और मुनफसल भी हो सकते हैं जो मुतसिल हैं वो यही अटैच हु हा हुमा का कुमा कुम या और ना ठीक है लेकिन जब वो कहते हैं इन मनसूब ज़मायर को आपने मुनफसिल लाना है तो हमने तो बता दी ना ईया का लफ्ज रख गया वो कहते हैं ना ईया का लफ्ज कोई नहीं लगा ये ईया जो है ये सात क्या है गए नहीं वो कहते हैं जो ज़मायर मनसूब मुनफसिल है वो ई या हुआ हुमा ई या हुम। ईया कुमा ईया कुम ईजा की ई कुमा कुन्ना कुना इया या और ई ना तो वो इसको एक अलग से चार्ट कंसीडर करते हैं ठीक है यानी जब भी आपको इस अटैच जमीर को अलग से लाना हो तो उसके लिए ईया वाला एक जो चार्ट इस्तेमाल किया गया तो कुल ये चार्ट चार चार्ट्स हो गए आपके सामने और पांचवा और आखिरी चार्ट वो जमायर जो मजरूर हैं वो कहते हैं वो सिर्फ मुतसिल होते हैं वो मुनफसल नहीं हो सकते और वो उसके लिए वही चार्ट जो है अटैच हुमा हुम अटैच हा हुमा हुन्ना का का माकुम की कुमां ना या और ना गुना तो गोया ये पाँच चार्ट वो इस तरीके से ले आते हैं और अगर आप देखें तो हैं मेन दो चार्ट्स ही बस उसको सिर्फ एक फ़र्क आपके सामने होना चाहिए समझाने का तो इस एतबार से अब मैं यहाँ पर आपके सामने जो है वो ईया का को एक ही लफ्ज़ कंसिडर कर रहा हूँ ठीक है मैं ये नहीं कह रहा कि ईया एक है और का दूसरा है नहीं ये एक ही लफ्ज़ है इसको हम कहेंगे ये जमीर आ, उनकी आप जुबान में कि जमीर मनसूब मुनफसिल है ठीक हो गया तो एक नाबुदू दो वीन ईया का चार और नस्तिन पाँच तो एक दो तीन चार पाँच अल्फाज पर मुश्तमिल जिसमें नाबुदू और नस्तिनु दो फेल हैं एक आपका बाऊ हरफ आ गया और ईया का दो दफ़ा आया तो ये आपके इसम की कैटेगरी में चला जाएगा एनालिसिस मैं आपके सामने रख चुका हूँ इसका इसलिए बोर्ड पे इसको मैं नहीं लिखता क्योंकि अब अलहमदिल्ला आप भी इस पैटर्न पर चढ़ चुके हैं कि अब कुछ बातें आपको ज़बानी बताने से भी समझ में आ जाएंगी तो ईया का आपका ज़मीर ये मफूल मुकदम और नाबुदू आबदा याबुदू बाद आल मादा नून बाप उससे आपका ये बन गया जी जमा मुतकलम का सीखा फ़ेल बा फ़ाइल तो फ़ेल अपने फ़ाइल और मफूल मुकदम से मिलकर जुमला फेलिया ख़बरिया होकर मातूफ़ अलह मातूफ़ बना दें के आगे रहा है ठीक हो गया वाउ हरफिया उसी तरह मफ़ूल, मुकदम फेल और फाइल वा नून इसका मादा है जी बाब है इस्तेफ आल आइन वाउ नून आउन मदद के लिए इस्तेमाल होता है उससे बाब इस्तेफाल में गया तो ये बन गया जी इस तावना नॉर्मल ठीक है अब ये भी चीजें आपको अपने तौर पे करनी है सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो भी अच्छी तरह हो जाए तो मैं सिर्फ मादा बता रहा हूं बाप बता रहा हूं मादा देखें ऐन नून है तो गैर सही फेल का मादा है और गैर सही फेल में अजवफ है ये सारी बातें बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए अजवफ में आपको पता है रूल्स जो है वो क्या होते हैं वो भी साथ होने चाहिए तो इस तावना बाब इस्तेफाल में जब डाला तो ये इस तावना याविन बना तो इस आना वो अलिफ में चेंज हो गया और मुजारे में वो या में चेंज हो गया हर फेलत इस्ता आना यस्ताइनु इस आना तन मदद तलब करना क्योंकि आप जानते हैं बाब इस्तेफाल में जिस फेल का जिक्र होता है उसको तलब करने का मफहम जो है पाया जाता है तो या काी जुमला फेलिया बना ये मातूफ हो गया अब मातूफ अल और मातूफ मिलकर ये आपका जुमला मातूफा बन गया ठीक हो गया अब तर्जुमा क्या बनेगा जिसका हम तेरी ही इबादत करते हैं या करेंगे और तुझसे ही मदद मांगते हैं या मदद मांगेंगे तो ये तर्जुमा आपके सामने होना चाहिए तो अल्फाज पर भी बात होगी अलहमद ला तर्जु भी हो गया अगली आयत देखते हैं जी वो क्या जी अगली आयत है जी एहदिनमस्तकीम दिन दी, दी एक लफ्ज हो गया जी फेल है फेल अमर है ना जमीर है इसमें मुतसिल है असरात इसम है अलमुस्तकीम इसम है तो एक दो तीन आसमा और इहदी एक फ़ेल ठीक है अब इस हवाले से आप देखें तो इहदी के अंदर जो अंता की ज़मीर है वो इसका फ़ाइल है तो अगर काउंटिंग आप करना चाहें उस एतबार से तो एक लफ्ज़ और भी बढ़ा सकते हैं लेकिन ये आपके समझने के लिए मैं सिर्फ ज़ाहरी तौर पर बात कर रहा हूँ यानी एकदी का लफ्ज़ आप कहेंगे जी काउंट हम कर रहे हैं तो एक है लेकिन एकदी असल में दो हैं ठीक है ना यानी फेल है और बा है तो इस तरीके से इस बात को भी आपने सामने रखना है अलहदुल्ला अब मेच्योर हो गए आप तो इन चीज़ों को आप खुद अंडरस्टैंड करेंगे हदा यहादी से ये फेल अम्र है जी हदा याहदी हाद आल या मादा बाप जरा भाई अजरेबू हदा यहादी हिदायतन हिदायत देना तो उससे ये फेल अम्र है फेले अम्र फेल ब होता है आपको पता है और हदायदी दो मफूल चाहता है जी ठीक है किसी को हदायत दी जाती है और किसी चीज की हिदायत दी जाती है रहनमाई की जाती है किसी की रहनुमाई की जाती है और किसी तरफ रहनुमाई की जाती है हदाय के गोया दो मफूल आते हैं जी एक जिस को हिदायत दी जाए और दूसरा जिस चीज़ की हिदायत दी जाए ठीक है दोनों मफूल मौजूद हैं पहला मफूल इसका डायरेक्ट आता है डायरेक्ट मीन्स विदाउट एनी प्रपोजिशन ओके दूसरा मफूल इसका डायरेक्ट भी आ सकता है विदाउट एनी प्रपोजिशन भी आ सकता है नंबर दो विद प्रपोजिशन भी आ सकता है और विद प्रपोजिशन अगर आता है तो वो दो हो सकती हैं या वो इला की प्रपोजिशन हो सकती है या वो लाम की प्रपोजिशन हो सकती है तो गोया ये जुमला जो है आपका इस तरह भी हो सकता था इहदिना ना इलासरा मुस्तकीमी ये जुमला आपका इस तरह भी हो सकता था इहदिना ना लसरा मुस्तकीमी ठीक है और तीसरी इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि दिन से मुस्तकीमा ठीक तो हदा यह मजीद में इसके तीनों इस्तेमाल आपको मिलेंगे कि दूसरा मफूल जब हदा यहादी का आएगा तो वो आपको विद आउट प्रपोजिशन भी मिलेगा जैसे कि इस आयत में आप देख रहे हैं इसका सेकेंड मफूल दूसरा मफूल जो है वो लाम की प्रपोजिशन के साथ भी मिलेगा आपको कुरान मजीद में और इला की प्रेपोजीशन के साथ भी मिलेगा तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं तो ना जो है ये इसका आ, मफूल अव्वल हो गया जी ठीक हो गया और अस्से रात का जो है ये इसका मफूल सानी है लेकिन इट्स सेल्फ ये मौसू है क्योंकि आगे उसकी सिफत आ रही है जी मौसू सिफत मिलकर इसे हम बना देते हैं जिसका मफूल सानी तो इहदी फेल अपने फाइल और दोनों मफूलों से मिलकर जुमला फेलिया इन शाइया क्योंकि फेलियामरा क्या ठीक हो गया जी इसमें लफ्ज़ कोई ऐसा नहीं है सिरात आप जानते हैं रास्ता है। और रास्ते के लिए अरबी जुबान में तरीक़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है लेकिन वो आम रास्ता होता है जिस फिजिकली ठीक है यानी अरबी ज़ुबान में कह देते हैं ला या तफ ए बच्चे ला तल अब अल अलग तरीक ठीक है रास्ते पर मत खेल और तरीक आप जानते हैं इस लफ्ज़ को बड़ा आपने सुना होगा आपको मौका मिला हर जाने का तो जब रस्ते से हटाना होता है तरीक तरीक बोल रहे होते हैं तो रास्ता दो तो ये सिरात का वो मानवी रास्ता है ठीक है उसकी पे सिफत आ रही है मुस्तकीम है वो इस्तकामा कामा यस्तकीमो यानी इस्त आना इस्तकामा इसत कामा यस्तकीमो इस्ता आना यस्ता आना ये आप तर्जें अगर याद कर लेना तो इन शाला तल सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी बाब की के उसका माजी मुजारे और उसका आ, मस्तर कैसे बोलना है तो अजवफ जब भी आपका आएगा बब इस्तेफ़ाल में तो इस आना इस्तेआनतन इसत आनाता इसत कामा यस्तकीमू इसत उससे मुस्तकीम ये फ़ाइल है ठीक है जिस तरह इससे मुस्तीन इसमाइल बनेगा और मुस्तान इसम बनेगा तो अल्लाह अलमुस्तान जिससे मदद मांगी जाती है ठीक है जिससे मदद मांगी तो अल्लाह ही है सिर्फ अल्लाहमस्ताना तस्फ़ुन सुरै यूसफ तो में हज़र यक़ूब था कि अल्लाह ही है जिससे मदद मांगी जा सकती है तो मदद मांगनी है तो सिर्फ अल्लाह ताली से ही है और अल्लाह ही अलमस्तान है तो अलमुस्तान्म होगा और अलमुस्मफ़ाइल होगा तो अलमुस्तकीम इसम़ाइल होगा और अलमस्तकाम अगर बनाना चाहते हैं आप अपना पैटर्न सही करने के लिए तो वो लफ्ज़ बनेगा बहरहाल जी ये एक दिन अजसरात अब यहाँ पर ये दुआ शुरू हो रही है आयत मुकम्मल होगी है अल्फाज भी बात होगी अगली आयत में क्या है जी देखते हैं जी जी सूदुल में अगला टैक्स मैंने लिखा है जी लजीना अनमता अलिम तक इसके यहाँ तक लिखने की वजह यह है कि अगर बिसमिल्लर को सूरतुलफ़ा की आयत ना माना जाए तो यहाँ तक आयत मुकम्मल हो जाती है जी छठी गोया अलहमदिल्लाबीआलमीन एक आयत अरहनिम दो मालिक योद्दीन तीन ईया का नाअया का नस्तैन चार इहदीन सिरातलमस्तकीम पाँच सिरातलज़ीना नमता अलहिम छः ठीक है और गैरमूबलन सात ओके इस तौर पर सात आयात होगी और अगर बसमिल्लर रहीम को आयत माना जाए तो बिसमिल्रिम आयत नंबर एक अल्हदिल्लिबीआलमिन दोम तीन मालिक योम्दीन चार इया का नबुदूब इया का नस् पाँच इदिनसरास्तकीिम छः और सरातल नमताम ग़ैरमूबलिन सात ठीक हो गया इसलिए आप देखते हैं कि हमारे जो मुसफ़ हैं उसमें आप यहां पर एक छोटा सा बाकायदा वो पांच का निशान लगा होता है ना तो वहां पर उसका मुराद होता है कि यहां पर आयत के होने या ना होने का इतलाफ है यानी राय है यहां पर इख्तलाफ को फिर समझ लें कि राय मुख्तलिफ है सही है तो मैं यानी यहां तक भी एनालिसिस कर देता हूं और फिर आगे अलग से कर दूंगा ताकि सारी चीजें आपके सामने रहें ले जी यहाँ तक जो अल्फाज हैं उसमें सिरात एक किस्म अल्लाजीना एक किस्म अनमता फेल और अलैहिम दो अला एक हर्फ और हिम जो है ये जमीर तो इसमें तो एक दो तीन अस्मा एक फेल और एक हर्फ ठीक हो गया क़लिमात पर मुश्तमिल आपकी आयत सिरातना सिरात सिरातुन असल में था अलिफ़ लाम लग गया तो असरा सिरा, असरात बन गया तो तनवीन जाने की एक वजह अलिफ़ लाम का होना और तनवीन जाने की या तनवीन ना होने की एक वजह उस इसम का मुजाफ़ होना ठीक हो गया किसी तनवीन वाले इसम पर तनवीन आप नहीं देख रहे तो दो मोटी वजूहत जहन में रखी करें एक या तो उस पर अलिफ्लाम दाखिल होगा वो नज़र आ रहा होगा दूसरा वो मुजाफ बन रहा होगा ठीक है तो ये दोनों वजूहत यहाँ पर आपके सामने आ गई कि सिरात पर अलफिला मौजूद है और यहाँ पर सिरात मुजाफ बन रहा है तो ये मुजाफ हो गया जी और उसके बाद अल्लाजीना मुजाफ़िल है सही है और अल्लाजीना क्या है ये इसमें मौसू है और जब भी इसमें मौसू आएगा आगे सिलाएगा मैं एन सामने रख देता हूँ इन शीयर हो जाएगा जी सिरात को मैंने कहा जी ये मुजाफ है अल्लाजी इसका मुजाफिला है एक, जब भी आएगा तो मुजाफिल आएगा अल्लजी मुजाफिल है लेकिन आप जानते हैं कि इसमें मौसू है तो साथ ही हम इसको इसमें मौसू कर देते हैं जी ये मौसू है और जब भी इसमें मौसू आएगा उसका सिला जरूर आएगा ठीक हो गया तो सिला अब सिला चार सूरतों में आ, आ सकता आपको पता है जार मजरूर एक जरफ मुजाफिल है दो जुमला इसमिया तीन जुमला फेलिया चार तो चार सूरतों में आपका सिला आ सकता है इन चार को दो में भी रखा जा सकता है या जुमला होगा या शुभ जुमला होगा तो जुमला इसमिया फेलिया जुमले की कैटेगरी में आ गया और शुभ जुमला में आ गया जी जर्फ और मुजाफिल और जार मजरूर अब यहां पर इसका सिला जो है आप देखें अनमता अलई एक जुमला फेलिया आ रहा है ठीक हो गया तो ये इसका सिला है और सिला में अनअमता आप देख रहे हैं कि सेल्फ फेल बा फाइल है सीधा नंबर एक और चार के अलावा है तो फाइल पक्का अनमता और अलहिम जो है ये जार मजरूर मुतालिक है इसके ऊपर भी जाना पड़ेगा जी जार और मजरूर जगह कम होने की वजह से मैं आपके सामने लिख रहा हूँ लेकिन चूंकि आयत बहुत अहम थी तो इसलिए इसको लिखना पड़ रहा है तो अनमता फेल अपने फाइल और मुताल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर सिला बन गया अल्लाजीना इसमें मौसू के लिए इसमें मौसू अल्लाजीना अपने सिले के साथ मिलकर ये सिरात मुजाफ के लिए मुजाफिल बना और ये मुजाफ और मुजाफिल मिलकर क्या बना इसकी नसब को अब हमने जस्टिफाई करना है कि इसकी नसब क्यों है जी ठीक है तो इसकी नसब है ये जो पहले था ना इहदिन असरात मुस्तकीम मुस्तकिम अस का लफ्ज उससे ये बदल है यानी आप उसे जो दुआ कर रहे हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखा अब वो सीधा रास्ता ठीक है वो अस्थिरत उससे बदल है यानी रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया ठीक है ना रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया अच्छा जी ये बदल हो गया और सिला जब भी आता है जुमला तो उसमें एक ज़मीर होनी चाहिए जो मौसू के मुताबिक हो जिसे हम ज़मीर आयत कहते हैं तो इसमें अब आयत कौन सी है जी अब ये देखें जो हम की ज़मीर है ना ये ज़मीर आयत है क्योंकि यही उसके मुताबिक होगी ना लजीना जमा का सीगा तो उसके मुताबिक होगी अब देखें अनमता में ज़मीर जो है वो अनंता की वो लजीना के मुताबिक नहीं है तो ये फाइल की जमीर नहीं है इसको अगर हम हजफ भी कर देते यानी इसको हम इस तरह रखते थे सिरात लजी आनमता, तो भी ठीक था उस वक्त फिर हमें आम को मजसूफ़ मानना पड़ता निकालना पड़ता ठीक है इसलिए कि वो ज़मीर आयद बनाने के लिए लेकिन यहाँ पर अलहमद पहले से वो लिखी हुई है तो ये भी कॉन्सेप्ट अल्हद बार बार जब आएगा, आएगा आपके सामने इसमें से, इस से मौसू और फिर सिला और सिला में आयत का होना तो इन तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो अब ये भी पता चल गया जी आपको ये टोटल मजाफिला बनकर ये हमने असर से बदल बना दिए नहीं जी आखिरी हिस्सा सूतल फातह का जो कि एक अलग आयत के तौर पर भी है या इस पिछली आयत का हिस्सा भी है अगर बसमिल्ला को सूतुल्फा का जुज माना जाए या ना माना जाए दो रूरत आपके सामने क्लियर होनी चाहिए अल्फाज लें जी गैर गैर हाज़िर गैर हाजिर हाजिर जो हाज़िर हो गैर हाजिर जो हाज़िर ना हो ठीक हो गया अच्छा जी, तो अच्छा जी। अलैहिम और गैरुलमखदूब अलैहिम यानी अलमदूब अलैहिम का माना क्या होगा जिन पर गज़ब किया गया हो और ग़ैरमूब अलैहिम क्या होगा जिन पर गज़ब ना किया गया हो सिंपल में तर्जुमा आपके सामने रख रहा हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए तो गैर कर आ रहा है, आता है ख़ैर हाजरीन वाली एग्जाम्पल सामने रखें गैर उमनून कुरान मजीद में जगह जगह आपको मिलेगा तो एक मोटा इसके माना जो है वो आ, कर लें यानी पॉजिटिव से नेगेटिव ना के तौर पर तर्जुमा आप इसका कर सकते हैं इसम मुजाफ़्न रहे तो अगला मजाफिल है दो इसम अलिम जार मजरूर तीन इसम और अदवालीन चार इस्म ठीक है चार अस्मा और एक दो और तीन हरूफ और मुश्तमिल ठीक यह आपका आखिरी हिस्सा सूतुलफाते का अलमखदूब आपने पढ़ा था आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि अलेफ लाम इसम भी होता है और हरफी भी होता है इसमें कौन सा होता है जो फाइल और मफूल पर दाखिल हो ठीक है अलजी जोरेबा क्लियर हो गया अच्छा जी अब यहां पर एक बात नोट कर लें कि वो अल्फाज जो प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होते हैं ना उनमें यानी कि अल अल हिम ये जमा का लफ्ज़ है ठीक है अच्छा अब जमा का ना हमें ये जो प्रेपोजिशन है ना गजाबा के साथ अला की प्रेपोजिशन आती है उसके साथ जो इसम ज़मीर अटैच है ना उससे हमें पता चलेगा कि हम मुराद जमा है या वाहिद है अगर ये लफ्ज़ होता ना अलमदूब अलैही अलमूब अलै ही तो फिर वाद मुराद होता अलदूब अलै ही वाहिद होता है इसलिए कि वो लफ्ज़ वो मादे जो प्रपोजिशन के साथ इस्तेमाल होते हैं उनसे जब मजहूल फेल बनाया जाता है या उनसे मफूल बनाया जाता है तो वो प्रपोजिशन साथ लाजमी जिक्र की जाती है ठीक है और उस लफ्ज़ को वाहिद रखा जाता है यानी अगर वाहिद मुराद हो ना तो कहा जाएगा अलमूब अलई ही अगर मुसन्ना मुराद हो तो कहा जाएगा अलमदूब Al अलई अलमकदूब को मुसन्ना नहीं बनाएंगे कि अलमकदूबानी नो ये वाहिद ही रहेगा जमा करना है तो अल अल हिम ठीक हो गया ये नहीं कहा जाएगा अलमकदूबूना जमा नहीं आएगा ये लफ्ज यहां जमीर के जमीर जो है ये चेंज होगी ये वाहिद की होगी मुसन्ना की होगी जमा की होगी यही मोनस की हो सकती है आप ये नहीं कहेंगे अलमकदूबा यही कहेंगे आप अलमखदूब अलई ठीक हो गया तो इसका एक ख्याल रखना है अच्छा तो यहां पर मुराद जमा सही है फिर उसके बाद वाओ हरफ आतफा यानी ये मुजाफ और ये मुजाफ अलह मातुफ अलह बन गया ये वाओ हरफ आतफा हो गया और ये ला जो है ये ताक़ीद के लिए आया है उस गैर की ताकीद के लिए यानी असल में ये था गैर मखदूब अलहिम वालीन लेकिन एक ला को बीच में ज्यादा लाया गया ताक़ीद के लिए जिससे जोर पैदा हो गया यानी ना अलमखदूब अलहिम और ना ही अद्दालिम ये मैंने साथ ही यानी मिक्स सा तर्जुमा कर दिया ताकि आपको बात समझ में, में आ जाए ठीक हो गया अच्छा जी अब ये मातूफ अलह हो गया ये मातूफ हो गया मातूफ अलह और मातूफ मिलकर अब यह क्या बन रहे हैं जी यहां पर गैर की जर जो है ये हमने जस्टिफाई करनी है कि इसकी जर को हम किसके साथ रिलेट करें तो गैर की जर जो है वो अल्लाजीना से आप कह लें उसके लिए बदल है आपने कहा था ना हमें सीधा रास्ता दिखा अब वो सीधा रास्ता कौन सा था सिरात अनमता अलैहिम उनका रास्ता था और वो अल्लाजीना अनमता अलैहिम कौन है जीना का बदल है कि वह अल्लाजीना अनमताअल गैरलमदूबालीन है ठीक है ना तो वह महदूब अलहिम है और ना ही अदालीन है द्वाल द्वाद लाम लाम माता उससे इसमायल अदाल दिली लुन बनता था ना द्वाद लाम लाम दिल द्वा लुन दोनों लामों को मर्ज कर दिया उससे दुआलून जमा का सीखा और दुआलून की नसब और जर दुआलीन तो ये कौन सी है जी नसब है जरा जर है, है। क्यों इसलिए कि गैर के लिए गैरलमकदूबी था ना अगर अलहिम को जरा थोड़ी देर साइड पर रख दें आप कहते हैं जी फ़र्ज़ किया ये नहीं है तो ये क्या बना जी गैरलमकदूबी वालीन गैरलमकदूबी वालीन लेकिन अलमदूब के साथ प्रपोजिशन जरूर आनी तो अलिम वो साथ आ गया और ये बन गए गैरल मखदूब आलिम वदिन और लाम बीच में ताक़द के लिए डाल दिया तो ये सारी चीज़ें आपको इन शाली समझ में आ जाएंगी यहाँ पर हमारी अलहमदिल्ला सूतुल्फात मुकम्मल हो जाती है जी कोशिश मैंने की है इस आखिरी आयत को एक्सप्लेन करने की इसमें वैसे तो जो मेरे एडवांस लेक्चर्स हैं जो दस लेक्चर्स हैं दो सूरतों में आपके सामने इंटरनेट में मौजूद हैं वो जो वेबसाइट पर एक एडवांस uh, लेक्चर्स के नाम से एडवांस बेस uh, uh, जो कोर्स है हमारा उसमें वो दस लेक्चर्स हैं जी जो मैंने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं एक वो मेरी पूरी तस्वीर के साथ है एक हमारे एक स्टूडेंट ने uh, या हमारे यूनस खान साहब जो हैं भाई हैं उन्होंने मेहनत की है जी उन्होंने उनको लेक्चर्स को स्लाइड्स की शक्ल में आपके सामने रखा है तो वही दस लेक्चर्स जो आप देख रहे हैं मैं अपलोड कर रहा हूँ साथ, साथ वो वही लेक्चर्स हैं दस एडवांस जिनको स्लाइड्स की शक्ल में आपके सामने रखा जा रहा है तो उन एडवांस लेक्चर्स में फातिहा को मैंने मज़ीद डिटेल के साथ करवाया वो दोनों आप मिलाकर अपने नोट्स तैयार कीजिए यानी वो लेक्चर भी देखिए फातिहा वाला और ये भी देखिए कुछ चीज़ें ज़ाहिर है एक फ़र्क हो जाता है क्लास के हवाले से भी फ़र्क पड़ता है और वक्त के हवाले से भी फ़र्क पड़ता है तो दोनों को मिलाकर आपके नोट्स जो इन श्या कम्प्रेंसिव हो जाएंगे कुछ चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी उसमें नहीं मिलेंगी कुछ उसमें मिलेंगी इसमें नहीं मिलेंगी इस लेक्चर में निशाला एक निशाला एक तो इन दोनों को मिलाकर आप जो है वो अपने नोट्स तैयार करें एक शम्प्रीनसिव से नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे लेकिन सूतुल्फ़ा ये हमारी मुकम्मल होगी आयात का अख्तिलाफ़ भी आपके सामने आ गया सब बातें मुकम्मल हो गई अब सूतुल्फात के आखिर में आमीन कहना ठीक है ये सुनत से साबित है आप जानते हैं और आमीन एक इसमुल फेल के तौर पर इस्तेमाल होता है और इसमुल फेल किसे कहते हैं ऐसा इसम जो फ़ेल के माना में इस्तेमाल हो तो इसके फिर मुख्तलिफ माना होते हैं जी इसजिब इसके एक माना किए जाते हैं जी तो कबूल फरमा तो जो आपने दुआ मांगी है कबूल कबूलियत के लिए हम आ, करते हैं और आखिरी बात जो मैंने आप आ, के साथ करनी है वो ये है कि सूतलफात के बाद मैंने आपके सामने एक रिवायत हज़रत बई इब्न काफ़ वाली पेश की थी तो उस रिवायत के माना क्या है वो अब आपके सामने रखूँगा तो इन बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी जी जी तो मैं रिवायत वो आपके सामने हदीस रख रहा हूँ जी ये हदीस जो है तिरमिज़ी की हदीस है, है और सही हदीस है और हज़रत उबैब ने क़ब रजी फ़रमाते हैं कि अलैहि वसल्लम अब इस टेक्स्ट को भी आप एनालाइज़ करने की कोशिश करें अलैहि वसल्लम अल्लाह के वसम ने फ़रमाया कि मा अनल मा अनु अल्लाह ने नाजिल नहीं किया ने नाजिल नहीं किया माँ नफ़ी के लिए आया अन फ़ैल अल्लाह उसका फ़ैल माँ अनुजल फित तौराती तौरात में ंजीली और ना ही इंजील में यहाँ यही वही इलाज़ जो है ज्यादा आ गया जी ताक़द के लिए यानी यहाँ पर यह अल्फ़ाज़ ये भी हो सकते थे कि मान जलल्ला फि तौराती वल इंजीली लेकिन क्या फरमाया आपने मान जलल्लाजल फि तौराती वला फिलंजीली अब यह लाजायद ताक़द के लिए जितना हम उर्दू में कहते हैं ना कि ना तो ये है और ना ही ये है तो इस माना में है इसी तरह की वो हदीस भी सामने लिया आपने अल्लाह ना तो तुम्हारे जिसमों को देखता है और ना ही तुम्हारी शक्लों को देखता है तो यह इनशा तला आपको स्लूब भी समझ में आ जाएगा तो मानजल फिर तौरा ना तो अल्लाह ने तौरात में और ना ही इंजील में नाजिल किया मिसला कुरानी मिसला मरकबाफी कुरानी उम्मल कुरान के मिसल और उमुल कुरान से क्या मुराद है फरमाया वाहिया सब उस सबुल सब वहिया वाहिया सबुल मसानी और ये सबुल मसानी है ठीक है इसका जिक्र कुरान मजीद में भी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने नबीम आपको सात बार बार पढ़ी जाने वाली आयात ना आ, जो वो अताकी है वो अता की हैं फिर फरमाया आपने वाहिया मकसूम तुन ठीक है और हिया मकसूमत और ये जो है ये तकसीम हुई हुई है बटी हुई है बैनी व बीना अबदी मेरे और मेरे बंदे के दरमियान यानी एक रिवायत और न मिलती है कि आपने फरमाया कसम तो सलाता बैनी व बीना अबदी मैंने नमाज को अल्लाह ताली फरमाते मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया ठीक है बड़ी प्यारी हदीस है वो मैंने उस लेक्चर में बयान किया है वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा तो यहाँ पर मैं मुख्तफ लाया हूँ और आपने फ़रमाया कि वाह मकसूमत उन और वो बटी हुई है या तकसीम की गई है बीनी व बीना अवधि मेरे और मेरे बंदे के दरमियान वाली अवधि और मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे का है माँ सा जो उसने मांगा तो ये थी हदीस जी जो मैंने शुरू में आपके सामने बयान की थी सूतुलफात की अहमियत आपके सामने इस हदीस के ज़रिए आती है जी नबी सब ने फरमाया कि सूतलफ़ात के बहर नमाज नहीं होती तो ये सूतलफ़ात जो है आप जानते हैं कि नमाज का जज़्व यनफक है तो अलहदुल्ला एराबुल कुरान में आ, हमारी सात आयात मुश्तमल पहली सूरत जो है वो आज हो गई है इन शाल नेक्स्ट लेक्चर में हम सात आयात मुश्तमल दूसरी सूरत कुरान मजीद की अलमाउन जो है उसे ग्रामेटिकली एनालिसिस के लिए लाएँगे आप अपने नोट्स उम्मीद है बना रहे हैं आपके नोट्स बनेंगे तो इन शाला तल आप देखेंगे कि ये चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी अल्लाह ताला से दुआ करते जाइए अपने लिए भी और मेरे लिए भी और पूरी टीम के लिए भी अल्लाह ताला हमारे लिए दुनिया में भी आसानी फरमाए और आख़रत जो कि असल मकसद है इस काम के ज़रिए अल्लाह ताला हमें वो अजर अता फरमाए और अपनी रज़ा जो है उस को हासिल करने का ज़रिया बनाए इस काम को और हमें जन्नत तुल्फ में जो जगह था भरमाए इन श्ला तो आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी जी सुबह के हमदी का अशदुल्ल अंतः अस्तफ़िर वतू وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقران هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان